हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि यहाँ पे डिश वॉशर कैसे इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि आपने मेरे घर वाले वीडियो में देखा ही होगा कि मेरे किचन में ऑलरेडी यहाँ पे डिश वॉशर इंस्टॉल्ड है, और मुझे सब मेरे घर वाले रिलेटिव्स पूछते हैं कि ये चलता कैसे है। तो अभी सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाली हूँ, ये है जो मेरे बर्तन, इन्हें मैंने ऑलरेडी पानी में भिगो के रखा था थोड़ी देर। जैसे खाना होता है तो हम इसे पानियों में से ऐसे निकाल के लेते हैं। देखिए आप, वैसे भी ये थोड़ा थोड़ा क्लीन ही हो चुका है। आप ये डे टू डे लाइफ में भी कर सकते हो, क्योंकि फिर आपको ये बर्तन घिसने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, बहुत आसानी होगी। तो अब मैं यही सारे बर्तन, ये देखिए ये गंदे भी बर्तन है यहाँ पे बहुत, इसमें अभी हमने खाना खाया है, तो अभी मैं इसे डिश वॉशर में डालूंगी और ये 2 घंटे में आराम से साफ हो जाएंगे। हाय गाइस, तो ये है मेरा डिश वॉशर और ये है इसका नॉब। अगर ये मैं यहाँ पे ओपन करती हूँ तो ये ओपन हो गया है, और ये देखिए ये अंदर से ऐसे दिखता है। इसमें 2 ट्रे है, ये नीचे वाला ट्रे और ये है ऊपर वाला ट्रे। तो बेसिकली ऊपर वाले ट्रे में सारे, मतलब प्लास्टिक हो या फिर आपके कप्स हो, हल्के फुल्के आइटम्स इसके ऊपर जाते हैं, और जो भी आपके भारी भरकम बर्तन होते हैं जैसे कि कुकर या फिर पैन, जो भी है भारी भारी चीज़ें, वो इस वाले ट्रे में जाते हैं। तो ये है बास्केट जैसा आइटम, आप जो ये देख रहे हैं इसके अंदर पार्टीशन से, 6 पार्टीशन है, और इसके अंदर आप अपने सारे चम्मच, जैसे नाइफ है, चम्मच है, छन्नी है, ये सारे सब इसमें रख सकते हो। इसके लिए ये पार्टीशंस भी दिए हुए हैं। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें बर्तन किस प्रकार रखते हैं, क्योंकि बर्तन रखने का भी एक अलग ही तरीका है। जैसे कि अभी ये डिश है, तो यहाँ पे ये जो सेक्शंस है इसके अंदर मैं डिश रखूँगी, लेकिन स्लैंटिंग पोजीशन में, मतलब ये ऐसे सुलाते हैं, उस तरह से हम यहाँ पर डिश रखते हैं। और ये अभी ये मेरा बाउल है, तो ये बाउल अभी जाएगा ऊपर, जो भी छोटे छोटे आइटम्स है ये सारे ऊपर, और ये हमेशा ऐसे उल्टा करके ही रखना होता है, क्योंकि जो पानी है जो यहाँ से आता है वो यहाँ से आता है, नीचे से आता है, और ये सारा पानी ऊपर जैसे वॉशिंग मशीन में आता है वैसे ये पूरा ऊपर आता है, और ये सारे बर्तन ऐसे धुल जाते हैं। तो अभी जैसे ये भी प्लास्टिक का आइटम है, तो इसको भी मैं इसी में रख दूंगी ऊपर वाले सेक्शन में ऐसे, और ये कटोरी भी है, इसको भी ऐसे उल्टा करके रखना है। और ये जो कप है जिसमें आप चाय पीते हो, उसको भी ऐसा उल्टा करके ही इसके अंदर रख देना है। ये रैक्स है इसीलिए आपको दिए हुए हैं, ताकि ये बर्तन हिले ना जब ये मशीन चालू रहती है तभी। और अभी जैसे कि ये है लेमन स्क्वीज़र, तो इसको मैं इसके अंदर रख दूंगी, बनाती हूँ ये भी इसके अंदर रख दूंगी। ये मेरा चॉपर है, ये भी इसके अंदर जाएगा कटिंग। ये सारे प्लेट्स, ये देखो कितनी गंदी प्लेट है, ये सारे इसके अंदर ही जाएंगे। ये सारी छोटी छोटी प्लेट्स भी मैं इसके अंदर ही रख दूंगी। ये देखिए ये चमचा, ये स्पून, ये सारा मैं इसके अंदर डाल दूंगी, ये अलग सेक्शन है। और जब भी हम स्पून डालेंगे उसको भी हमें ऐसा उल्टा करके ही डालना पड़ता है, ऐसा सीधा नहीं आप डाल सकते, क्योंकि इसके अंदर का जो भी है वो नीचे से पानी आता है, इसलिए वो साफ़ हो जाता है, एकदम अच्छी तरह से वो साफ हो जाता है। तो सारे स्पून्स मैं इसके अंदर रख दूंगी और प्लेट्स इसके अंदर रख दूंगी। अभी ये मेरी छन्नी है, इसको भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। ये देखिए इस तरह से उल्टा करके ये सारे स्पून्स को भी डाल देना है। फिर ये चाकू है, चाकू को भी मैं इसके अंदर डाल दूंगी। तो अब ये मेरा कुकर है, ये कुकर सबसे बड़ा है, तो ये हैवी आइटम्स में आता है, इसलिए इसको नीचे के रैक में रखना पड़ता है, और इसको भी थोड़ा टेढ़ा करके ही रखना पड़ता है, जैसे कि इस तरह से। और ये इसका कवर आप देख सकते हैं, ये थोड़ा हल्का आइटम है इसलिए मैं इसको यहाँ पे रख रही हूँ ऊपर, और ये सारा कुछ मैं उल्टा करके ही रख रही हूँ। ये मैंने रख दिया। और ये है मेरा मिक्सर का बर्तन, इसको भी मैं यहाँ पे रख रही हूँ नीचे, ये भी बहुत अच्छे से धुल जाता है इसके अंदर।
ये सब कुछ आपको इस तरह रखना है कि इसका फेस नीचे की तरफ आए, ताकि ये बहुत अच्छे से धुल जाएगा। अभी मैं इसे बंद कर रही हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हम सोप कैसे डालेंगे। तो ये है सोप जो हमने खरीदा है यहाँ पे, ये नंबर वन ब्रांड है। ये कोई स्पॉन्सर ऐड नहीं कर रही हूँ मैं, बस हमने यहाँ पे रिसर्च किया है तो हमको ये पता चला है कि ये सबसे अच्छा ब्रांड है, तो हम यही ब्रांड यूज़ करते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं बहुत सारे सोप्स हैं। ये हर टाइम हर एक मशीन के लिए एक एक सोप यूज़ होता है। तो ये देखिए, ये सोप ऐसा दिखता है। इसके अंदर भी पूरा सब पाउडर होता है, और ये लिक्विड भी है इसके अंदर, और ये पाउडर भी है। तो अब इस सोप को हम इसके अंदर डालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ के लिए अलग अलग सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये जाएगा इसके अंदर, डिटर्जेंट ओनली, यहाँ पे लिखा भी है ऑटोमेटिक डिशवॉशर डिटर्जेंट ओनली। तो ये हमारा डिटर्जेंट है अपने बर्तनों के लिए। तो इसको मैंने रख दिया और ऐसे फिक्स कर दिया। फिर ये आता है, ये भी एक अलग ही चीज़ है, पावर ड्राई। ये जब ये रिंस होता है तभी ये यूज़फुल होता है। इसके अंदर बहुत सारे क्वालिटीज़ है। ये स्पॉट्स रिड्यूस करने में मदद करता है, मशीन को स्पार्कलिंग रखता है, मतलब अपने जो ये मशीन है इसको भी अच्छा रखता है। तो इस लिक्विड को मैं इसके अंदर डाल दूंगी। दोस्तों, तो हमने अभी बर्तन हमारे इसके अंदर लोड कर दिए हैं, और इसके अंदर हमने हमारा डिटर्जेंट भी डाल दिया है, और ये फिक्स हो चुका है। अभी ये ऑटोमेटिक इसके अंदर जब ये जाएगा तो उसके टाइम के हिसाब से ये खुलेगा, और इसके अंदर सब कुछ साफ सफाई चालू हो जाएगी। और ये भी लिक्विड भी डाल दिया है। अगर आप सोच रहे हो कि ये चीज़ क्या है, तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा गंदगी होती है, और इसको साफ करने के लिए अलग चीज़ आती है जिसका नाम है वाइट विनेगर। यह है डिस्टिल्ड वाइट विनेगर, जो इसके अंदर हम महीने में दो बार डालते हैं, और ये पूरा मशीन अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। जो भी गंदगी इसके अंदर अगर छुपी हो कहीं पे भी, तो ये पूरी की पूरी साफ़ हो जाती है। और इसके साथ साथ आपको ये भी मिलता है डिश वॉशर क्लीनर। ये बहुत ईजीली अवेलेबल है, ये सारी चीज़ें ईजीली अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कहीं से भी खरीद सकते हो इसे। मेनली कॉस्को और वॉलमार्ट में आपको बहुत होलसेल दाम में मिल जाती है ये सारी चीज़ें। तो आपको जब भी आपका डिशवॉशर धोना है पूरी तरह से अच्छे से, तो आपको ये दो चीज़ों का इस्तेमाल करना ज़रूरी है, एक वाइट विनेगर और ये डिशवॉशर क्लीनर। इससे आपका ये जो डिशवॉशर है वो अच्छी तरह से पूरा क्लीन हो जाएगा। इसके लिए आपको ये पूरा खाली होना चाहिए, इसमें एक भी बर्तन नहीं होना चाहिए, और बस ये दो चीज़ें इन दोनों में डाल के इसको लगा देना है, जैसे नॉर्मल हम करते हैं वैसे। तो अभी हमारा ये डिशवॉशर बर्तन धोने के लिए रेडी है, पूरी तरह से रेडी है, और अब हम इसे बंद कर देंगे। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसे बंद कर दिया है, और ये रेडी हो चुका है अभी। और यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस है, आपको जो ऑप्शंस चूज़ करना है आप वो ऑप्शन चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हॉट प्री वॉश ऑप्शन, मतलब कि जब भी बर्तन यहाँ पे अभी हमने डाले हैं तो उसके पहले ये गर्म पानी छोड़ के नॉर्मल इसके ऊपर वॉश कर देगा। हैवी वॉश मतलब ये ज़्यादा देर तक रहेगा, नॉर्मल वॉश मतलब ये कम देर तक लेकिन नॉर्मल ही वॉश करेगा, और वाटर सेवर मतलब इसमें पानी कम लगेगा। और ये है हीट ड्राई ऑन एंड ऑफ, मतलब जब ये ड्राई होता है इसके अंदर बर्तन धुलने के बाद, ये ऑटोमेटिक ड्रायर का भी काम करता है, बर्तन आपके पूरे सूखे हुए बाहर आ जाते हैं। तो ये हीटेड ड्राई है, इसको अगर हमने ऑन कर दिया तो फिर ये ड्राई होते वक्त इसके अंदर गर्म स्टीम आएगी, और ऑफ़ कर दिया तो नॉर्मल कोल्ड स्टीम ही आएगी। और इसके अलग अलग फेजेस हैं, पहले ये पूरा वॉश हो जाएगा, उसके बाद ये रिंस होगा, और उसके बाद ये ड्राई होगा, मतलब जो भी पानी इसके अंदर है उससे ये पूरा वॉश हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो भी पूरा पानी है वो सारा कुछ रिंस हो जाएगा, मतलब वो सारा पानी निकल जाएगा। और उसके बाद जब हमारे बर्तन पूरे अच्छी तरह से धुल जाएंगे फिर ये ड्राइंग वाला शुरू कर देगा,
और इसमें अगर आपको हॉट चाहिए तो हॉट, कोल्ड चाहिए तो कोल्ड। तो अभी मैंने ऑफ करके रखा है क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मेरे बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाए, क्योंकि अभी मैं सोने जा रही हूँ वैसे भी, तो रात भर ये आराम से सब कुछ होते जाएगा। तो अभी इसको मैं ऑन कर दूंगी, जैसे अभी मैं हॉट प्री वॉश से ऑन कर रही हूँ। तो अभी ये आवाज़ जो आपको आई तो इसका मतलब ये अंदर चालू हो गया है। नीचे से इसका जो है ये सब ऑपरेट होता है, ये पूरा वॉशिंग मशीन जैसा ही है, बस इसके अंदर बर्तन है। और अभी मैं इसको बीच में से भी खोल सकती हूँ, अगर मुझे एक हाथ दूसरा बर्तन और इसमें मिलाना है तो मैं इसे खोल के इसके अंदर और एक बर्तन भी डाल सकती हूँ। हाय गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा ये बर्तन बच गया डालने का, मैं इसे भूल गई डालने के लिए। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बीच में से मैं इसे कैसे डाल रही हूँ। ये चालू है मशीन, आप देख सकते हैं इसके अंदर से आवाज़ आ रही है, इसकी आवाज़ है जैसे वॉशिंग मशीन। तो अब मैं इसे कैसे खोल रही हूँ, तो पहले इसका ये लॉक घुमा दे रही हूँ, मतलब ये अभी घूम गया। और ये देखिए इसके अंदर पूरा पानी है, ये देखिए नीचे पूरा पानी है और स्टीम आ रही है क्योंकि ये हॉट वाटर है। ये देखिए ये पूरा झाग हो चुका है। तो अब मैं ये बर्तन इसके अंदर डाल दूंगी, अभी मुझे इसमें जगह बनानी पड़ेगी। तो अभी मैंने इसको इसके अंदर डाल दिया है और ये अंदर चला गया है। अभी आप देखेंगे और मैं इसको फिर से लगा रही हूँ। तो अभी ये जो है ये बटन हमारा लॉक का बटन है, अभी ये मैंने इसको लगा दिया है लॉक। तो अभी आप कितना भी चाहे तो आप इसे खोल नहीं पाएंगे, ये पूरी तरह से लॉक हो चुका है अंदर। ये देखिए मैं कितना खींच रही हूँ इसको, लेकिन ये नहीं खुल रहा है। तो ये एकदम अच्छे से लॉक हो चुका है। और अभी अगर मुझे इसे खोलना है तो मुझे फिर से इसको ये साइड पे लेके आके, अभी ये देखो आराम से कितना खुल गया। तो दोस्तों ये मशीन आपको कैसी लगी मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। और ये मशीन फुल्ली ऑटोमेटेड मशीन है, एक बार इसके अंदर बर्तन डाल के इसको ऑन कर दिया, बस आपका काम ख़त्म हो गया। ये इसलिए बनाई गई हम जैसे औरतों का काम और आसान हो जाए, हमारे हाथ जो छिल जाते हैं बर्तन धोते धोते वो सॉफ्ट सॉफ्ट रहे। इसके रहते हुए हमारा बहुत सारा समय भी बच जाता है और बर्तन भी एकदम अच्छे से धुल के आते हैं। लेकिन कुछ कुछ बर्तन जो अच्छे से धुल के नहीं आते वो आपको अभी सुबह ही पता चलेंगे वो क्या है। तो अब मैं जा रही हूँ सोने और अब सीधा आपको मिलूँगी सुबह और आपको दिखाऊंगी कि इसके अंदर बर्तन कैसे धुले हैं। करीबन इसको धोने के लिए 2 घंटे तो मिनिमम लगते ही है, लेकिन हमें कुछ चिंता नहीं क्योंकि हम रात को ऐसे लगा के सो जाते हैं और सुबह फिर आके सारे बर्तन निकाल के यूज़ करते हैं। तो चलिए अब मैं जा रही हूँ सोने, बाय। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाके वो लाल बटन दबाइए सब्सक्राइब वाला, और उसके बाद जो मैं बेल आइकन है उसको भी दबाइए ताकि मैं अगला वीडियो अगर डालूंगी तो आपको ज़रूर नोटिफिकेशन आएगी। तो चलिए देखते हैं अभी ये मशीन। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये ऑलरेडी ऑफ पे आ चुका है, यानी कि अब ये मशीन ऑफ हो चुकी है। ये देखिए हमने कल इसको नॉर्मल पे सेट किया था और ये पूरा घूम के अभी ऑफ पे आ चुकी है। तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं। ये है इसका लॉक, इसको इस साइड किया और ये ओपन हो गई। ये देखिए, तो पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे जो मैंने डिटर्जेंट डाला था सोप और ये जो लिक्विड डाला था ये पूरी तरह से जा चुका है, ये पूरा यूज़ हो चुका है। और अब मैं आपको दिखाती हूँ ये बर्तन, ये देखिए ये भी पूरे अच्छे से धुल गए हैं और सूख भी गए हैं पूरे के पूरे। ये देखिए ये पूरा सूख गया है और ये धुल गया है। ये देखो प्लेट्स, अब
मैं आपको प्लेट दिखाती हूँ, ये देखो ये एकदम साफ़ हो चुकी है। इसे अभी दोबारा से घिसने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे कि आप देख सकते हैं ये एकदम क्लीन है। अब मैं दिखाती हूँ ये पैन, ये पैन जो आप देख रहे हैं इसके ऊपर ये जो वाइट है ये यहाँ पे हो जाता है। ये डिश वॉशर का ये एक ही प्रॉब्लम है, क्योंकि यहाँ पे हार्ड वाटर है इसलिए ऐसा वाइट इसके ऊपर जम जाता है। तो इसे बस एक बार पानी से धोएंगे तो ये आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, इसका कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इट्स लाइक कि मुझे ज़्यादा घिसना नहीं पड़ेगा अभी इसे, सिर्फ एक बार पानी के नीचे से निकालूंगी तो ये रेडी टू यूज़। अब मैं आपको ऊपर वाला सेक्शन दिखाती हूँ। ऊपर वाले सेक्शन में हमने ये रखा था कप्स, ये कप्स भी पूरे अच्छे तरीके से धुल चुके हैं। ये देखो इसके अंदर कुछ नहीं है, चाय के कुछ दाग नहीं है, सारे कप्स मेरे अच्छे से धुल गए हैं। ये देखिए साइड से भी बहुत अच्छे से धुल गए हैं। ये देखिए ये स्टील के हैं, ये भी एकदम चकाचक क्लीन है, पूरे के पूरे क्लीन है। और ये कांच के बॉल्स ये भी एकदम क्लीन है। तो इसमें सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इस पे हार्ड वाटर के कारण इसके ऊपर एक वाइट लेयर फॉर्म होती है, तो वो आप कभी भी पानी के नीचे से अगर आप ये बर्तन एक बार निकाल दें तो ये आराम से आप इसे यूज़ कर सकते हैं और इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बर्तन मैं एक साथ धो सकती हूँ, एकदम आराम से धो सकती हूँ, प्लास्टिक वाले धो सकती हूँ, स्टील और कांच के सारे बर्तन मैं इसके अंदर आराम से धो सकती हूँ और मुझे कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर ये ज़्यादा से ज़्यादा जला हुआ होगा तो ही ये अच्छे से नहीं निकलता, थोड़ा बहुत इसमें रह जाता है तो उसको मैं घिस के धो सकती हूँ, लेकिन मुझे सारे बर्तन धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये ज़्यादा नहीं होता, एक आध बार कभी कभी हो जाता है, कभी कभी आप ज़्यादा फ्राइंग वाइंग कुछ कर लो तो ही ऐसे कुछ बर्तन हमारे घर पर जमा हो जाते हैं। तो ये तो मतलब बहुत ही आसान तरीका है। तो आपको ये वीडियो कैसे लगा, ये डिश वॉशर कैसे लगा आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए। आपको ये मॉडर्न तरीका अच्छा लगा या फिर आपको हाथ से ही बर्तन धोना पसंद है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बाय।